दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी गवर्नमेंट जॉब में। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि RRB NTPC CBT वन का आप सभी का आंसर की आ चुका है, आपने देखा भी होगा और आप दोस्तों यहां पर अंदाजा भी लगा रहे होंगे कि इस बार कितना नंबर यहां पर बढ़ सकता है, क्योंकि दोस्तों पूरा पूरा खेल है वो आपका NTPC की दोस्तों कट ऑफ है उस पर निर्धारित करेगा। आपका जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा उस पर आपका यहाँ पर कट ऑफ बनने वाला है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है तो दोस्तों आपका जो कट ऑफ है आपको पता है कि नॉर्मलाइज दोस्तों स्कोर पर बनने वाला है। और मैं आपको दोस्तों एक कट ऑफ का यहाँ पर आइडिया भी दोस्तों दूंगा जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपका दोस्तों कुछ ही दिन बाद यहाँ पर रिवाइज्ड आंसर किया आएगा, उसके बाद यहाँ पर फाइनल रिजल्ट CBT वन का आएगा, ठीक है। आपको पता होगा दोस्तों कि जो 2018 में जो पेपर दोस्तों हुए थे रेलवे के, उसमें क्या हुआ था, जैसे मान लीजिए किसी लोगों के यहाँ पर दोस्तों ग्रुप डी में मान लीजिए या ALP में मान लीजिए वहाँ पर दोस्तों रिवाइज आंसर की भी आया था और दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़े थे, ठीक है। उसकी बदला दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों के यहाँ पर 20 से दोस्तों 25 मार्क्स भी बढ़ गए थे, जो कि आपने देखे भी होंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों इस बार क्या है कि रेलवे ने यहाँ पर क्या किया है कि जो आपका दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है उसमें कुछ अपडेट किया है दोस्तों। पिछली बार की तुलना में इस बार कुछ अलग आपके नंबर यहाँ पर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपने दोस्तों देखा होगा कि रेलवे ने जो दोस्तों यहाँ पर जो लेवल है पेपर का वो यहाँ पर सेटअप किया हुआ था स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो पिछली बार की तुलना में जो नंबर बढ़े थे दोस्तों इस बार बढ़ना इतना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे ने जो नॉर्मलाइज दोस्तों फॉर्मूला है आपको दिख रहा होगा, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 14.1 में दोस्तों, जो कि कैलकुलेशन आपका नॉर्मलाइज मार्क्स होगा वो जो मल्टी सीजन पेपर है दोस्तों आपके उसकी बदौलत, ठीक है। दोस्तों इस फॉर्मूले को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में बता दूं कि इतना नंबर आपका नहीं बढ़ने वाला है जो 2018 में आपका बढ़ा था, ठीक है। इस बार आपका जो नंबर बढ़ सकता है वो 5 से 10 नंबर ही बढ़ सकता है। और आपको जो पिछली बार दोस्तों 2018 में ग्रुप डी का जो हुआ था पेपर उसमें क्या हुआ था, किसी किसी के मान ली 50 यहाँ पर रॉ मार्क्स आ रहे थे तो बढ़ के यहाँ पर 70 हो गए थे, किसी के 72 हो गए थे, मतलब कि 20 से 25 आपके मार्क्स बढ़े हैं, ठीक है। और पिछला दोस्तों फॉर्मूला है और इस बार का फॉर्मूला है उसमें अपडेट किया हुआ है रेलवे ने, तो इस बार दोस्तों आपके हैं जो आपके मार्क्स हैं वो 5 से 10 नंबर ही बढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दोस्तों बता दूं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो कि आल जोन की है आपके रेलवे के, टोटल 21 जोन है उस सबकी बता रहा हूँ आपको कि अगर आपके मार्क्स UR आप कैटेगरी से हैं अनरिजर्व दोस्तों कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स यहाँ पर दोस्तों 65 से 70 के बीच आपके मार्क्स हैं तो आपका कोई भी जोन है दोस्तों आपका CBT 1 में आपका नाम आ सकता है, ठीक है। जो आपका जो दोस्तों CBT 1 है वो आप क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं UR की बात करूं दोस्तों सॉरी UR के बाद OBC की बात करूं हम तो दोस्तों OBC में मैं आपको बता दूं कि जिसके मार्क्स भी दोस्तों आपके 60+ आ रहे हैं कोई भी दोस्तों जोन है आपका, आप यहाँ पर निश्चिंत रहिए आपका रिजल्ट यहाँ पर बनने के पूरे पूरे चांस रहेंगे, ठीक है। और दोस्तों इससे ST और SC वाले दोस्तों उसका कम रहेगा, SC वालों को दोस्तों मैं बता दूँ 55 और ST वाले दोस्तों 50+ भी आपका यहाँ पर मार्क्स आ सकता है, ठीक है। तो UR के लिए मैंने बता दिया है, OBC के लिए दोस्तों बता दिया है, SC के लिए बता दिया है और ST के लिए बता दिया है, ठीक है। आपके 65+ मतलब दोस्तों यहाँ पर आपके मार्क्स होने चाहिए UR के, यहाँ पर दोस्तों 60+ होने चाहिए आपके मार्क्स, यहाँ पर दोस्तों आपके 55+ मार्क्स होने चाहिए और दोस्तों यहाँ पर आपके 50+ मार्क्स होने चाहिए। अब बहुत से लोग बात करेंगे EWS की, ठीक है। दोस्तों EWS का आपका ज़्यादा स्कोर नहीं जाएगा, आपका ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा दोस्तों। मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके मार्क्स EWS वाले हैं और अगर आपके 50+ मार्क्स हैं और दोस्तों PWD वाले भी बहुत ही कम यहाँ पर कट ऑफ जाएगी, वो भी दोस्तों 50+ आपके मान के चलिए, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ रॉ स्कोर, ठीक है। आपको जो अभी आंसर किया है उसमें आपने देखा होगा, आपने आंसर की मिलाई होगी उसमें, अगर अपने इतने मार्क्स आ रहे हैं रॉ मार्क्स की बात करूँ तो आपका रिजल्ट कोई भी जोन हो दोस्तों आसानी से हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा इतना क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आपको खुश भी नहीं करना है दोस्तों और मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि रेलवे दोस्तों NTPC का पेपर है वो यहाँ पर 50% लोग ही यहाँ पर अटेंडेंस दिए हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर 1,23,00,000 यहाँ पर दोस्तों टोटल यहाँ पर एम्प्लॉय दोस्तों फार्म थे, उसका 50% हम लगाते हैं दोस्तों तो लगभग आपके यहाँ पर 60,00,000 मैं उनके में चलता हूँ कि 60,00,000 लोगों ने यहाँ पर पेपर दिया है, ठीक है। और आपका CBT 2 में आपके 20 गुना रिजल्ट होगा, ठीक है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं 35,000 की तो लगभग आपके 7,00,000 लोग यहाँ पर पास करेंगे आपके CBT 2 में, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है जितने आपके मार्क्स आ रहे हैं इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। और अगर आपके मार्क्स 1-2 नंबर इससे कम ज़्यादा भी हैं दोस्तों तो भी आप टेंशन नहीं लीजिए, आपका रिजल्ट यहाँ पर होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम है कोई दिक्कत है दोस्तों तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपकी भरपूर सहायता करूंगा। और दोस्तों आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी रेलवे की पल पल की अपडेट की, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।